नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। गर्मियों में बकरियों को क्या खिलाएं, अक्सर ये सवाल रहता है। और हरी पेड़ की पत्तियां क्या दें और किस किस चीज़ की पत्तियां हमें खिलानी चाहिए, और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो आज हम इसी वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। ख़ास करके जो अभी हम खड़े हैं, ये देसी बबूल के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, और बकरियां आप जैसे देख रहे हैं कि जो देसी बबूल का फल है वो बड़े चाव से खा रहे हैं। जैसे ये बकरा देखिए अपने मुँह में बढ़िया दबाए हुए हैं। तो ये पेड़ क्या है और इसको खिलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके यहाँ पर अगर इस तरीके का पेड़ है तो वो भी अपने यहाँ पर इसको फीड करा सकते हैं, कितना खिलाना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किसमें काम आता है, इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। मैं हूँ अभी जयगोट फार्म के जो ओनर हैं महेंद्र जी के साथ में। चलिए चलते हैं और मिलते हैं उनसे और इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो सर, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्ते। जो भी दर्शक अपन को देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए साहब, और ये जो आप खिला रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। महेंद्र सिंह नाम है मेरा जी। राजस्थान अजमेर से 25 किलोमीटर अपना गांव है मजेउला। जी जी, वहाँ पे 40 बकरियों का फार्म है अपना। हाँ हाँ, मतलब अब 40-50 तो होती रहती है सर, वो तो बढ़ती घटती रहती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये बताइए कि जैसे जो आपने चीज़ पकड़ी हुई है, ये देसी बबूल है, ये बहुत अच्छा है, इनके लिए पौष्टिक है जी। ये खिलाने से इनकी वेट गेनिंग अच्छी हो जाती है, शाइनिंग बढ़ती है, और जो भी 12 महीने में किसी कारणवश बची हुई बकरी है, मतलब वो किसी कारणवश हिट पे नहीं आई है, हाँ, तो वो क्रॉस हो जाएगी इससे खिलाने से। अच्छा। और दर्शकों, एक हमने हीट के ऊपर बहुत ही ज़रूरी वीडियो आप लोग के कमेंट के माध्यम से मैंने वो पिक किया था, वो सवाल, वो वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मैंने शूट किया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो बकरियों के लिए बहुत गुणकारी होता है, और इसमें बहुत सारी ऐसी औषधीय गुण होते हैं जिससे बकरियों को ये फ़ायदे कराता है। तो इसके जो फल हैं वो खा रही हैं, इसकी पत्तियां जो हैं वो खा रही हैं। और सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इस तरफ आइए कि जो ये फल्लियाँ हैं, जैसे कुछ लोग इन्हें सुखा कर रख लेते हैं, सुखा के भी खिलाते हैं कुछ लोग, है ना, एक्स्ट्रा होती है तो उनको बचा के इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ। और ये हम तो डायरेक्ट अभी गीला ही खिला रहे हैं इनको। हाँ, तो सूखे में नहीं देते, सुबह सुबह में तो हम ये सूखा चारा खिला देते हैं इनको। तो मैं वही जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, देसी घी की तरह है एक तरीके से देखे, जो जानवरों के लिए बहुत पौष्टिक है, और ये ज़्यादा नहीं खा सकते, जैसे अपन देसी घी को एकदम से पूरा नहीं खा सकते, वैसे ही ये थोड़ा थोड़ा खाती रहती है। अच्छा, क्योंकि आपके जयपुर एरिया की तरफ, सीकर एरिया की तरफ, जहाँ पर भी ये चीज़ होती है ना, देसी बबूल जो होता है जी। बबूल जिसे हम कहते हैं, तो वो उसकी जो फलियाँ होती है वो सुखा के रख लेते हैं, सुखा एक्स्ट्रा है ना, तो है ना, उस हिसाब से सुखा लेते हैं। जो बंद खेत हैं उनमें क्या एक्स्ट्रा पड़ी रहती है, तो उनमें से निकाल के स्टॉक कर लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे काम में लेते रहते हैं उनको। बिल्कुल। तो इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, जहाँ तक से कैल्शियम होता है, और जो बकरियों को थोड़ा सा वेट गेनिंग में भी बहुत फायदा है, वेट गेनिंग में, और हेवी वेट जल्दी बनता है इससे जानवर, कोई भी अपन खिलाए पिलाए ना। बिल्कुल। इसकी पत्तियां भी खिलाते हैं आप? पत्तियां भी खाती है, पपड़ियां खाती है, और इसके पपड़ियां हो गई, पत्तियां हो गई, इससे बहुत बढ़िया एक मतलब चमक जो आती है, मैं देखता हूँ शाइनिंग, जैसे राजस्थान की बकरियों या अजमेर के बेल्ट में पता है आपको बहुत शाइनिंग वाली बकरियाँ देखने को मिलती है, उसका मेन राज यही रहता है, देसी बबूल खाने से 12 महीने शाइनिंग बनी रहती है इसकी। और जैसे अभी तो ये देसी बबूल हो गया, और कौन कौन से पेड़ गर्मियों के समय पर आपको यहाँ पर खिलाए जाते हैं? जो बचे हुए हैं, बेर के पेड़ बचे हुए रहते हैं कुछ, ये वाले, कुछ ये खेजड़ी जो अपने हैं इधर, ये बची हुई है, तो इनको भी अपन साथ में ऐड करके खिलाते रहते हैं इनको। जैसे ये बेर का पेड़ हो गया, तो कभी बेर का पेड़ की पत्तियाँ, ये डालियाँ काट दें तो बेर के पेड़ की पत्तियाँ खा लेती हैं। हाँ। और एक खेजड़ी का पेड़ है अपने इधर, तो उसको भी अपन यूज करते हैं, काफ़ी पेड़ है इधर अपने खेत में, तो उनको खिलाते रहते हैं साथ में, क्योंकि एक चीज़ तो जानवर खा नहीं सकता, राउंड फिगर में खिलाना पड़ता है। बिल्कुल। कुछ इनको ये अभी फुल धूप के दिन है, तो उस हिसाब से अपन हरा रचका देते हैं इनको, जैसे एक टाइम हरा रचका दे देते हैं इनको, एक एक डेढ़ डेढ़ किलो, तो उससे भी अच्छा रहता है इनके लिए, ठंडा रहता है। बहुत अच्छा। और ये देसी बबूल है जो ठंडी करता है, गर्मियों के दिनों में ही यूज करते हैं इसको।
थोड़ा सा इसका नेचर जो होता है वो ठंडा होता है। हाँ, तो अपन हमेशा ध्यान रखें जो फुल गर्मी पड़ती है उसी टाइम खिलाना है इसको, बाकी टाइम में कभी नहीं खिलाना है। हाँ हाँ, वरना मोटिलिटी प्रॉब्लम भी हो सकता है। अगर अपन सर्दियों वर्दियों में खिला देना इसको तो इससे मोटिलिटी हो सकती है। वो मोटिलिटी इसलिए होती है क्योंकि इसकी बकरियों इसकी जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी सी ठंडी होती हैं बाय नेचर, शीत करती हैं। हाँ, शीत होती है तो शीत पकड़ लेता है जानवर, तो उससे मोटिलिटी होना एक मतलब 100% मोटिलिटी है उसमें हो जाती है। तो सर्दियों के अंदर ये चीज़ कभी नहीं खिलानी, भूल से भी ध्यान रखना है इस चीज़ का अपने को। पर हमारे यहाँ पर तो सर्दियों के टाइम पर बेर वगैरह की पत्ती खिलाते हैं, वो खिला दो, उससे बेर में से कोई दिक्कत नहीं। बेर से दिक्कत नहीं है, केवल बबूल ये केवल ये अपने फुल धूप के दिन आते हैं उसी में खिलाते हैं। उसमें खिलाइए आप आराम से, इसकी फलियाँ खिलाइए, इसकी पत्तियाँ खिलाइए। हाँ, है ना, तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल फ़ायदेमंद होती है, बिल्कुल बहुत अच्छा। बड़े चाव से बकरियां खा रही थी, आप ये देखेंगे अभी घूम घूम के खाती रहेगी। खत्म कर दिए ना, देखिए सारी पत्तियां, कुछ ही फलियां बची हुई हैं। अभी ये फिर से आएंगी घूम फिर के कुछ अलग से खा के फिर वापस आएगी, फिर आएगी, फिर थोड़ा सा टेस्ट बदलेगी, फिर चेंज होगा। डाट बदलती रहनी चाहिए धीरे धीरे जानवर की। बहुत अच्छा। तो सर ये प्रेग्नेंट और उनको सबको खिला सकते हैं ना? हाँ, सबको खिला सकते हैं। प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट बकरियां तो खा रही है, अगर कोई अनप्रेग्नेंट रहेगी तो वही पे आ जाएगी हैंड टू हैंड। जैसे 10-15 दिन तक अपन खिलाते हैं ना तो क्रॉसिंग पे आ जाती है। अच्छा, 10 दिन आपने खिला दिया तो बराबर उसकी पेट की क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी। क्लीनिंग हो जाती है, डीवार्मिंग वगैरह, एक तरीके से देसी चीज़ है ये। हाँ हाँ, तो बहुत काम करती है। हीट में नहीं आ रही है बकरी, आप ये खिलाइए। हाँ, 12 महीने से कोई कारण से आई नहीं है किसी भी कारण से, तो वो आ जाएगी 100% आएगी, क्रॉस हो जाएगी इस टाइम ये खिलाने से। बहुत अच्छा, ऐसा है, बहुत शानदार, फायदे की चीज़ है। बहुत फ़ायदे की चीज़ बताई सर आपने, बहुत शानदार। क्या उम्र पे है सर ये ब्रीडर? ये बच्चा 1.5 साल का बच्चा है, 39 हाइट पे है। दांत एक बार दिखाएंगे इसके? 6 दांत, 6 दांत निकाल लिए, 4 था इतने, अब 6 निकाले हैं। 6 निकाल लिए। अच्छा बच्चा है, शांत स्वभाव है, बहुत अच्छा शांत स्वभाव है इसका। कोई भी जानवर को ऐसे परेशान नहीं करता। खुले ब्रीडर ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन जो खानदानी ब्रीडर है वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, जरूरत होती है तो एग्रेसिव बनता है। बहुत बढ़िया, ऐसा है, बहुत बढ़िया। ये देखिए पूरी बकरियाँ जो हैं यहाँ वहाँ सिमटी हुई हैं और आराम से खेजड़ी के पेड़ के नीचे, कभी बेर के पेड़ के नीचे जो भी चीज़ें उसे मिल रही होती हैं। खास करके यहाँ पर जब हम पेड़ों की बात करें तो खेजड़ी का पेड़ है, देसी बबूल का पेड़ है और बेर के हैं, यही खाने के लिए ज़्यादातर मिलते हैं, ज़्यादातर यही मिलते हैं राजस्थान में। और क्योंकि सर्दियों के समय पर जो अडूसा होता है वो तो ख़त्म हो चुका होता है। हाँ, अडूसा सर्दियों में देते हैं अपन, अडूसा थोड़ा ओल्ड हो जाए उसके बाद ही देना चाहिए। कच्ची पत्ती अडूसे की नहीं देने, जैसे कच्ची कूपल अगर फूटी हुई वापस है तो उसको नहीं देना, उससे भी बचाना है। और देसी बबूल के साथ जो ये अडू नीम होते हैं ना, ये देसी बबूल और अडू नीम शामिल में कभी नहीं देना, उससे भी मोटिलिटी होती है। अच्छा, जमाव हो जाता है मतलब इससे। अडू नीम समझ गए होंगे आप? मैं नहीं समझा, बताइए। आप नहीं समझे, वो होते हैं अड़ू नीम, जो एक तो होता है अपना नीम, एक होते हैं वो दूसरा नीम। अच्छा, तो उसको इसके साथ नहीं खिलाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपको परहेज करना, उसको आपको सामने जब तक वो खिला रहे हो तब तक देसी बबूल नहीं डालना है। और वो बंद हो गया तो देसी बबूल डाल दो, तो मतलब शिकायत नहीं आएगी उसके अंदर, वरना आप समझ ही नहीं सकोगे तब तक तो वो ख़त्म हो जाएगा जानवर। बहुत अच्छा, जमा होता है उसमें, तो उससे बचना अपने को। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।